Very good afternoon to all of you and happy new year to everybody. आपकी छुट्टियां बहुत हो गई, ठीक है? कोई ना कोई आपके टाइम पे ही फंक्शन हो जाते हैं, कोई ना कोई छुट्टियां आ जाती हैं, ज़्यादातर आपके ही में होता है, तो आपका ही सबसे लास्ट में फिनिश होने जा रहा है, ठीक है? ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ यूटी सेकेंड्स का. तो ह्यूमन सेटलमेंट है, मानो जो है किस तरह से अपने आप को सेटल किया, व्यवस्थित किया, उसके बारे में. तो लेसन 8 है ज्योग्राफी का, ठीक है? आप जैसा कि जानते होंगे कि जो हमारे पीपल जो व्यक्त हुआ करते थे वो सबसे पहले शिकार करते थे जानवरों का, ठीक है? किस चीज़ के लिए? फ्लैश, उसके मांस को खाने के लिए. बाद में धीरे धीरे वो सीख गए कि किस तरह से हम भोजन को इकट्ठा कर सकते हैं, ना कि भोजन को इकट्ठा कर सकते हैं बल्कि वो क्रॉप को, फसल उगाने में भी फूड प्रोड्यूसर बन गए, ठीक है? पहले वो जो थे कहाँ पे सेटल हुआ करते थे, नियर द रिवर ऑफ वैली, ठीक है? घाटियों में, गंगा नदी किनारे और यमुना नदी के किनारे, इन जगहों पे सेटल हुआ करते थे. क्यों? क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन थी उपजाऊ थी और वो जानते थे किस तरह से फसल को पैदा कर सकते हैं, किस तरह से फसल उगाया जा सकता है. तो फसल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत हुआ करती थी, तो बगल में ज़मीन, बगल में पानी और बगल में ही रहना हो जाता था उनका. तो इस तरह के सेटलमेंट हुआ करते थे, ठीक है? आगे हम बातें करेंगे. यहाँ पर देखोगे कि सिविलाइजेशन जो थी हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में, जैसा कि आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये डेवलप हुई है नियर द रिवर ऑफ बैंक सच एज इंडियन सिविलाइजेशन जो थी भारतीय सभ्यता, वो इंडस रिवर के पास. चाइनीज सिविलाइजेशन जो थी वो वांग हो रिवर के पास. इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन मतलब अफ्रीका में इजिप्ट जो ग्रीस कंट्री होती है, उनकी सभ्यता जो डेवलप हुई थी नियर द नाइल रिवर. और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑन द टिग्रिस रिवर, ठीक है? ओके बेटा, तो आप देखोगे यहाँ पे आप पाओगे सम नोमैड. इसके अलावा कुछ जो सभ्यताएँ थी, जैसे ये सेटलमेंट है, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट्स. ये जो सेटलमेंट होता है अर्बन सेटलमेंट होता है, ठीक है? काफ़ी कम्पैक्ट होता है, सब लोग इकट्ठे रहते हैं. ये है हमारा सेटलमेंट पहाड़ियों का, क्योंकि ढलान हुआ करती है, जगह कम हुआ करती है, तो जगह के अनुसार ये सारे स्कैटर्ड सेटलमेंट हुआ करते हैं, राइट? इधर बात करेंगे तो हाउस ऑन स्टिल्ट, मतलब ये भी सेटलमेंट जो होता है वो उन जगहों पे होता है जहाँ पे बाढ़ आती है, ठीक है? जहाँ पे स्लोप है और जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, या फिर नीचे बारिश होने के बाद पानी पूरा भर जाता है. तो ये क्या करते हैं, ये जो पिलर बना देते हैं या फिर खंभे बना देते हैं, उस खंभे के ऊपर पूरा घर बना होता है, ठीक है? जिसे हम बीम कह सकते हैं, पिलर दे दिया, बीम दे दिया, फिर बीम के ऊपर पूरा घर होता है, उसी को हम बोलते हैं स्टिल्ट. ये है रूरल सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट आपको पता है कि ऊपर छप्पर होती है, ठीक है? चाहे घास फूस की हो, खपरेल की हो, और जो दीवारें होती हैं वो कच्ची मिट्टी की बनी होती है. नेक्स्ट है यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सेटलमेंट. महानगर की जो व्यवस्था होती है, महानगर शहरों की जो व्यवस्था होती है, वो इस टाइप की होती है, बिल्डिंग्स में होती है, लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, ठीक है? फ्लैट्स में रहते हैं. तो ये हो गए. तो आगे मैं यहाँ बातें कर रहा था कि इसके अलावा नोमैड्स ट्राइब्स, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हो, जो आदिवासी होते हैं वो एक स्थान से दूसरी जगह पे हमेशा जगह को बदलते रहते हैं इन द सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर, ठीक है? तो वो पानी की तलाश में और साथ ही साथ अपनी जानवरों के खाने पीने के लिए जो फॉडर होता है उसकी तलाश में वो जगह को बदलते रहते हैं, और डिपेंड करता है उनके मौसम के अकॉर्डिंग. आगे है अर्बन सेटलमेंट. जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी घना होता है, ठीक है? और जो लार्ज स्लम्स एंड मॉडर्न शाइनिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें अर्बन सेटलमेंट का एग्जांपल होती है, ठीक है? मतलब स्टोरी बिल्डिंग्स होगी, मतलब काफ़ी फ्लोर्स होंगे उसके अंदर. विलेज का सेटलमेंट, जैसा कि मैंने बता दिया कि ये बिखरे हुए होते हैं और इनकी जो रूफ्स होती है वो कच्चे होते हैं. हिल एरिया का सेटलमेंट होता है, उसे स्कैटर्ड होता है, ठीक है? पॉपुलेशन ज़्यादा ना होने की वजह से ये बिखरे हुए होते हैं. डेजर्ट का जो सेटलमेंट होता है रेगिस्तान में, तो यहाँ पर भी सेम स्कैटर्ड ही होता है ड्यू टू द हॉट क्लाइमेट, वातावरण गर्म होने की वजह से. और इनके जो डिपेंड करता है कि वो मतलब कि कहाँ पे रह रहे हैं, उसी हिसाब से वो अपने उसको बनाते हैं, ठीक है? जैसे बाढ़ भूकंप वाला एरिया है या फिर रेगिस्तान है, तो वहाँ पे वो ऊंचाई पर ही बना लेते हैं पिलर या बीम दे करके.
ताकि अन्य मौसम में वो सुरक्षित रहें, नीचे जो जैसे बाढ़ का पानी भर गया तो वो ऊपर ही रह सके आराम से। ठीक है, आगे बातें करेंगे। इधर हम ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले थे पहले इंसान जो पैदल चला करते थे, फिर बाद में वो जानवरों का सहारा लेने लगे, फिर अपने सामानों को वो ढोने का काम करने लगे पहिए के आविष्कार के साथ। ठीक है, बाद में उनका फिर बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी आई, ऊँट की गाड़ी आई, हॉर्स की गाड़ियाँ आई, तांगे वाले आए, इस तरह की सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई। तो हमारा जो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट जो बना वो हमारा एरोप्लेन बना, हेलीकॉप्टर बना, जिसमें मतलब कि बहुत ही कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, और इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो ट्रांसपोर्ट जो हमारा जो यातायात जो कहलाता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट है, देखिए बस बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मतलब हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लैंड पे चलने वाला ट्रांसपोर्ट हमारा बस भी हो गया, ट्रेन भी हो गया, बस ही फिर ट्रैक होता है, और पानी में चलने वाला हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाता है, और हवा में उड़ने वाला एयर ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो हम रोडवेज़ की बातें कर लें, तो रोड पे चलने वाले जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं जनरली हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो बसेस होती हैं, ठीक है, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आपकी खुद की गाड़ी जिस पे आप रोड पे आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो। ठीक है, तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बहुत ही डेंसली कवर्ड है पूरे हर जगह पे, डोर टू डोर सर्विस है, मतलब कि आप बाय रोड अपने घर तक जा सकते हो। ठीक है, अब तो घर के पास जो गलियाँ होती हैं वो भी ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हिल एरिया में इसका नेटवर्क बहुत कम होता है। नेक्स्ट है रोड किस टाइप की होती है, मेटल रोड जो होती है वो मतलब कि पूरी तरह से पक्की रोड होती है, नॉन मेटल जो होती है अनमेटल रोड होती है कच्ची रोड कहलाती है। ठीक है, और बहुत से रोड होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं जिसे सबवे कहते हैं। अलाहाबाद में सबवे कहाँ है कोई बताएगा, आप बताना मुझे। ठीक है, अभी जब जैसे आप ख़त्म होती है वीडियो आप मुझे बताना अलाहाबाद में सबवे कहाँ पर है। इसके अलावा फ्लाईओवर आप जानती होगी, ठीक है, फ्लाईओवर्स के बारे में भी आप बताएंगे। ये हो गया रोड के ट्रांसपोर्ट के बारे में, और नेक्स्ट है रेलवे के ट्रांसपोर्ट। रेलवे के ट्रांसपोर्ट भी आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटल्ड अनमेटल्ड एंड फ्लाईओवर। रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट होता है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है, और इसमें ज़्यादा डर भी नहीं रहता कि सामान को टूटने फूटने का, क्योंकि वो स्मूथ चलता है, ट्रैक पर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई झटके महसूस नहीं होते हैं। ठीक है, तो हैवी जो सामान होता है लार्ज क्वांटिटी जो सामान होते हैं वो भी ट्रेन के थ्रू आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सकता है, और हमारा रेलवे जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से फैला हुआ है पूरे इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी हिस्से में हम ट्रेन से जा सकते हैं। ठीक है, मोस्टली फेमस जगह पर, और हर जगह नहीं कर सकते कि गाँव गाँव के अंदर ट्रेन बनाई जाए। वाटरवेज जो होता है वो सबसे चीपेस्ट कहलाता है, सबसे सस्ता माध्यम, क्योंकि इसमें हमें किसी प्रकार का कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती सिवा नाव के। तो इसमें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको, टू तरह के होते हैं, एक इनलैंड वाटरवेज होता है, ठीक है, और हमारा एक होता है आउटलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज जो होता है कि उसमें जो रिवर होता है लेक हम यूज करते हैं, और नेविगेबल रिवर इसलिए कहलाता है कि ये जो होती है शहरों के आसपास कई शहर बसे हैं गंगा और यमुना के, तो हम इसी नदी के माध्यम से इस शिप का यूज करते हुए या बोट का यूज करते हुए एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मोदी ने अभी उद्घाटन करके गए थे इलाहाबाद के अंदर, तो वो शिप से ही मतलब कि क्रूज लाइनर्स जो होती है इसको क्रूज लाइन्स बोलते हैं, और इसके अलावा पानी का जहाज भी बोल सकते हो, स्ट्रीमर भी बोल सकते हो छोटे शब्दों में, तो इनके थ्रू जो है आप बनारस से इलाहाबाद आ सकते हो गंगा नदी के थ्रू। ठीक है, इसी तरह से जो हैं बने हुए हैं, और जो सी जो होता है उसमें क्या होता है कि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं किससे, जहाज से, पानी के जो जहाज़ होता है। तो पानी के जहाज जो चलता है वो हम समुद्र के किनारे ही होता है, दैट इज कॉल्ड पोर्ट। ठीक है, तो इस तरह का जो पोर्ट है इंडिया में, जैसे मुंबई एक पोर्ट हो गया, साउथ अफ्रीका के अंदर केप टाउन पोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी एक पोर्ट है, और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर लंदन पोर्ट है। तो इनलैंड वाटरवेज वो कहलाता है जहाँ हम एक शहर से दूसरे शहर नदियों के माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है, और एक देश से दूसरे देश में इस शिप के माध्यम से जा सकते हैं, डेट इज़ द सी रूट, समुद्र के रास्ते से। ठीक है, लास्ट है एयरवेज के बारे में अगर हम बातें करते हैं, तो एयरवेज क्या है, बहुत ही कम्फर्टेबल है,
बहुत ही आलीशान है, ठीक है, बहुत ही महंगा भी है साथ साथ। तो इस तरह का बहुत जो हो ट्रैवलिंग होती है डेट इज एक्सपेंसिव कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हेलीकॉप्टर बना हुआ है और ट्रांसपोर्ट के यूज करने, कभी आपदा के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, लैंडस्लाइड के दौरान, बाढ़ के दौरान, ये जो हमारे लोग होते हैं ये इसी एयर के माध्यम से लोगों को बचाते भी हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, जैसे संचार का माध्यम कहते हैं, संचार के माध्यम आप अच्छी तरह से रूबरू हो, जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। मोबाइल जो है कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। हम चाहे SMS के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, या फिर वॉइस के थ्रू, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू, जैसे आप देख रहे हो, तो ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है, ठीक है। इसमें हम मास कम्युनिकेशन वो कहलाता है कि हम एक ही बार में कई लोगों को मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो भेजा, तो एक ही बार में हम कई लोगों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से खुद बनाया वीडियोस और सभी के पास इसको भेज दिया, सारे लोगों ने देख लिया, तो डेट इज़ कॉल्ड मास मीडिया। तो मास मीडिया में जो इंक्लूड होता है वो न्यूज़पेपर होता है। पहले जो इंक्लूड हुआ करते थे वो TV, न्यूज़पेपर, रेडियो, ठीक है, और आज के टाइम पे मोबाइल भी मास मीडिया का एक माध्यम हो जाता है। और ये सिर्फ कम्युनिकेशन के उसमें नहीं होता, वो कई सारी चीज़ें काम करता है, ईमेल भी करता है, जो काम कंप्यूटर करता है वो इसमें ईमेल करता है। तो ये सेशन जो है स्पेशली कंप्यूटर के बारे में, यूजेस के बारे में बता रहा है, तो कंप्यूटर को सारे काम कर सकता है जो आज मोबाइल करता है, ठीक है। चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे प्रेजेंटेशन से हो, चाहे आप इससे एक्सेल शीट्स हो, ठीक है, मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंस हो, या फिर अपॉइंटमेंट लेना हो, राइट, कोई भी काम हो, बिलिंग हो, या फिर क्लासेस लेने हो, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क। यहाँ पे पोस्टल बहुत पुराने टाइम की बातें की जा रही है, तो जो चिट्ठी पत्री हुआ करती थी पहले, तो इसमें बताया रखा है कि उस टाइम पे लॉर्ड क्लाइव ने 1776 में GPO, ठीक है, GPO का मतलब होता है जनरल पोस्ट ऑफिस, का उद्घाटन किया था उस टाइम पे। तो वो लेटर्स को ले आने का काम हुआ करता था, जो कि कोई ना कोई व्यक्ति ही करता था घोड़े के माध्यम से। बाद में फिर डेवलप हुआ, तो ये सारे जो हमारे यातायात के सिस्टम आ गए, फिर वो रेलवे के थ्रू जाने लगे। आज भी जो हमारे लेटर्स होते हैं, पार्सल्स, कुरियर होते हैं, वो सारे रेल के माध्यम से आते हैं। आप जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से जो भी सारी चीज़ें मंगाते हो, वो ज़्यादातर जो यूज की जाती है वो हमारा रेलवे का नेटवर्क ही है, ठीक है। उसी बेसिस पे हमारे जो सामान होते हैं 2 दिन 3 दिन में आना आते हैं, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, और आई होप आपका क्लास 7 है, तो माइट बी नया साल स्टार्ट हो चुका होगा, है ना। ओके, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपना अटेंडेंस भी दीजिएगा, भूलिएगा नहीं कोई भी, ओके। और ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेपरेट पेजेस में लिख के भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।